हाँ जी गाइस, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। तो आप अज तो अज थोनों ना बहुत ही अलग दिखाने गुरद्वारा तो जो डैम के बिच है, डैम के बिच है ना, नंगल डैम के बिच है। तो शुरुआत कर दे आप तो पहला भोजन छक के फिर थोड़ा दिखाने अज। ये रस्ता जी आनंदपुर साहब तो आप जिदा जाने अगे नंगल में जाने है ना, नंगल ऊना रोड, तो उ रस्ता है बस सीधा ही जाई जाना, कोई मोड़ नहीं, कोई घोड़ नहीं, सीधा ही जाई जाना बस। ठीक है जी, अगे थोन दस दें अगे की। तो इतने नंगल एंटर कर गया आप, नाली नहर जा रही है, आप बस सीधा ही जाइए है ना अगे, बस इधर लैफ्ट मतलब सीधा ही है, इधरों आनंदपुर साहब तो सीधा ही है नंगल सीधा। जेड़े सज्जन बेली जाणगे ना, ये तो नंगल आ गया, देखो ये नहर जा रही है डैम नू, ते रस्ता थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा जिहा उलझ मैं, तो उत्थे पुछ लियो भी ऊना जाना सी, ऊना ते उत्थे बाकी मैं एड्रेस करदा राह दसदा। इधर ऊना उपर दी पान लग गए, पहला उधर जाते सीगे, ते आ गया डैम, मतलब इतों पानी मतलब रुकदा, ते आ व्यू बहुत सोहना, वीडियो च भी सोहना लग रहा है, तो उदा भी बहुत ज़्यादा सोहना व्यू है इहदा। बस आप उपर दी जाना पुल दे, ते आ गया अगे एक होर पुल, तो ये भी आप क्रॉस करना, तो उत्थे पुछ लैना जरूर थोने, तो असी मतलब ऊना जाना, तो अगे थोनू दस देंगे। आ चौंक आ गया, इतों आप राइट, तो इतने थोने इतने बोर्ड लगे होना भपोर साहब गुरद्वारा भपोर साहब, तो उदा तुम पुछ भी लेना है। ठीक है, आ देखो भपोर साहब लिखा हुआ, तो फाटक थोड़े क्रॉस करना है, तो उदू बाद अगर बोर्ड भी लगे होने गुरद्वारा भपोर साहब, देखो तो बस उदा ही डायरेक्शन से जाइए जाना, वैसे तो हूँ सीधा ही है, सीधा ही जाइए जाना, इदा कलोनी टाइप आ जाओ, तो इतने का ना मतलब एटमोसफेयर बहुत वधिया है, इदा लगता जिम्मे पंचकूले आ गए होंने, इदा ही जिम्मे लैफ्ट साइड से ना इदा ही ने क्वार्टर ने, उधर पहाड़ देखते हैं, तो हवा इन्नी प्योर है, बहुत वधिया चीज़ है, बहुत ज़्यादा। सीधा ही जाई जाना आ डैम, देखो ये डैम उपर जा रहा, तो उदा हिल स्टेशन ही हैगा तो नंगल च है, बट इट सीम्स लाइक के लगता ही है कि हाँ पहाड़ा च हिल स्टेशन वाला ही कम है, बस इदा इदा ही जाइए उपर उपर। देखो बस इदा इदा ही उपर ही जाइए ना, बस आ गया। आ गए जी गुरु घर, गुरुद्वारा भपोर साहिब, एदी हिस्ट्री दस दिओ सानू। क्या बात है, एजी एंट्रेंस, हवा चल रही है पूरी, लो बाबे करो दर्शन, डैम आ गया। वीडियो छोटा ही लगता है, उदा काफ़ी वड्डा जाके, तो इधर के गुरुद्वारा दिखाने तुम्हें, आ देखो डैम, देखो सतसंग जी करो दर्शन गुरुद्वारा भपोर साहब के, आ देखो डैम, डैम ही है भी। गुरुद्वारा उसे वाहेगुरु, देखो जी जरूर आयो नंगल गुरुद्वारा भपोर साहब, जरूर आयो, बहुत ज़्यादा पीसफुल है। आ हिस्ट्री लिखी हुई है
स्क्रीनशॉट लैके कर लियो, उतो दस भी दिना मैं हिस्टरी है। और ये सेना इन लंघ जाता फोन खो के लै जाए सारे ब्लॉग जे पे रहे। गुरुद्वारा साहब तुम देख लिया, तो इतों की हिस्टरी ये है कि मतलब इतों का राजा सी रतन राय, तो उन्हें ना महाराज दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी को बेनती की थी, तो महाराज उन्हों की बेनती प्रवान करके इतने कई महीने महाराज ने इतने रहे ने, तो इतने चौपाई साहब का पाठ भी किया महाराज जी ने। तो बाकी उदा जो एटमोसफेयर है इतने का बहुत वधिया, मन को पूरी शांति मिलती है। जरूर आयो। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतह।